परफॉर्म के बाद में हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक और क्वेश्चन करना बाकी है। याद है मैंने आपको एक जेड जेड बार इज इक्वल टू में माइनस वाला, इसमें माइनस अभी भी नहीं है, राइट है। नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहा हूं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और यूलर फॉर्म है ना, हाँ इसे ऑयलर फॉर्म भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है ना, यूलर फॉर्म, ऑयलर फॉर्म या फिर अपने लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों ने अब तक जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई सुना, फिर आर्गन रिप्रेजेंटेशन एक्स कॉमा वाई सुना, फिर मॉड जेड सिस थीटा सुना, और उसका नाम था पोलर फॉर्म, और अब हम सुन रहे हैं यूलर फॉर्म, ऑयलर फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कुछ भी बोले आप, है ना। चलिए, है ना, तो सबसे पहले अपन लोग लिख लेते हैं कि देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना, z इज इक्वल टू में हम लोगों ने सुना है मॉड z इनटू में cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ये सुना है हमने, ठीक है ना। और ये हमारे लिए हुआ करता था x प्लस आयोटा y को बदलने का तरीका किसमें, पोलर फॉर्म में। अब हमारे लिए यही चीज हो गई है, मॉड z तो मॉड z ही रहा, ये सब बदल करके आ गया है e की पार आयोटा थीटा में, ठीक है ना। तो जब भी कोई e की पार आयोटा थीटा लिखता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, हम समझ जाते हैं कि उसका मीनिंग cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा में। ये बात आपको समझ में आ गई, है ना। जहां पर मैं इसको और ढंग से अगर एलोबरेट करूं तो मॉड जेड इंटू में e की पार आयोटा, और थीटा बोले तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है। थीटा क्या चीज है यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है ना। तो आपको पहली एक एक बात पता होनी चाहिए, कौन कब किस लिए किस कारण। आर्ग्यूमेंट हमने बहुत अच्छे से खूब निकाले हैं, खूब सारे क्वेश्चंस में आर्ग्यूमेंट ही आर्ग्यूमेंट निकाले, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आर्ग्यूमेंट में कुछ ज्यादा अपने लिए कुछ दिलचस्प है, ठीक है। तो जेड इज इक्वल टू में दिस इज बेसिकली, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जितना क्वेश्चन मुश्किल होगा उतना ज्यादा इसका यूज बढ़ता जाएगा, है ना, क्योंकि हमने एक्स प्लस आयटा वाई से चलते चलते यहां तक का सफर तय किया। तो इसका मतलब ये कि हमारे लिए क्वेश्चन जैसे जैसे टफ होते गए हमने कुछ नया नया तलाशा और यहां तक आए हैं, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बात करते हैं। जैसे मेरे पास में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐसे ही फर्स्ट, उसमें मान लीजिए किसी ने मेरे को कहा आयोटा, ठीक है ना। आयोटा को अगर बाई द वे मेरे को रिप्रेजेंट करना है ई की पार आयोटा थीटा में, तो पहली बात इसका मॉड जेड हो गया 1, ठीक है ना। और आप में से हर एक जने को पता होना चाहिए इसे अगर मैं सिस फॉर्म में दिखाऊंगा तो कॉस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू, याद है ना, क्योंकि आयोटा कहाँ मिलता है, इमेजिनरी एक्सिस पे, भूल गए। तो उसका एंगल कितना हुआ, पाई बाई टू, तो कॉस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू। अगर मैं इसी को ई की पार में दिखाऊंगा तो 1 इंटू में ई की पार आयोटा पाई बाई टू, बस। तो आयोटा का मतलब होता है ई की पार आयोटा पाई बाई टू, क्या आपकी बात पकड़ में आ गई। अगर मान लीजिए किसी ने मुझसे कहा होता 5 आयोटा को, माइनस 5 आयोटा को कैसे दिखाओगे, तो पहली बात मैं इसको बताऊंगा कि 5 तो इसका मॉड हो गया, है ना, दूरी 5 हो गई, और मैं इसे बोलूंगा कॉस माइनस 5 बाई टू प्लस आयोटा साइन, सही है। तो ये मेरे लिए कितना हो जाएगा, 5 इंटू में ई की पार माइनस, है ना, आयोटा पाई बाई टू माइनस आयोटा पाई बाई टू, राइट है। अच्छा सेकेंड थर्ड पे आ जाता हूं। थर्ड अगर किसी ने मेरे को दे दिया 1 प्लस आयोटा को सर e की पावर में दिखाइए, तो पहली बात मैं इसका मॉड लिखूंगा रूट टू, ठीक है ना, और फिर मैं इसको जानता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और cos 45 डिग्री 1/1, tan वर्स 1/1, tan वर्स 1 दैट इज 5/4, तो मैं इसको कैसे दिखाऊंगा, cos 5/4 प्लस आयोटा साइन 5/4, और इसी को अगर मैं दिखाऊंगा तो कैसे, रूट टू इंटू e की पावर आयोटा 5/4, क्या आप ये बात पकड़ गए। अब मैं आपको दो तीन क्वेश्चन आप कर दो, फोर्थ क्वेश्चन है मेरे पास में, आप मेरे को एक तो दिखा दो माइनस 5 को कैसे रिप्रेजेंट करना है, और एक छठे नंबर पे आप मेरे को फिफ्थ नंबर पे दिखा दो माइनस 3 प्लस 4 आयोटा को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कर लेंगे, है ना, सिंपल। तो सबसे पहले तो अपन ये सीख जाएंगे मतलब यूलर बन भी जाते हैं कि नहीं बन जाता हमसे, ठीक है, फिर आगे चलते हैं।
लिख लिया हमने। लिख लिया आप आए क्वेश्चन वगैरह कुछ बनाए जल्दी आओ। हाँ भाई कैसे लिखा बताओ, लिखा भी है या कॉपी किया अब तक? इसके अंदर क्या लिखा? 5 cos π + i sin π। तो कितना लिखना बोलो? 5 a^i π। ये भी हो गया डन। इस पे आ जाओ, कितना? 5 cos θ θ θ i sin θ। इसको मैं लिख रहा हूं 5 e^i θ। थीटा की वैल्यू बता दो आप तो डायरेक्ट, वेयर थीटा कितना है? थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस, क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड। पाई माइनस टेन इनवर्स 4/3। क्या ये बात सही है? बस थीटा अपने आप अटैच हो जाएगा। नहीं है, अरे मैं ये अंदर क्यों भरूंगा, इतना गंदा सा क्यों करूंगा, थीटा लगा के बात दूंगा मैं, थीटा इतना था नहीं है। अगले पे चल देना रेडी। हाँ भाई, अच्छा अब एक और बात, जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे से पूछा जनरल वैल्यू ऑफ आयोटा, ठीक है ना भाई, जनरल वैल्यू में क्या होगा? जनरल वैल्यू के अंदर अगर जैसे कोई अपने से आयोटा की जनरल वैल्यू पूछेगा तो आयोटा इज इक्वल टू में e^ हम लोगों ने वैसे नॉर्मल वैल्यू क्या निकाली थी किसी को याद है? आयोटा, अरे आयोटा π/2। आयोटा को ये तो लिखते ना, अभी लिखा है ना आयोटा के लिए, लिखा है ना e^ आयोटा π/2। अगर मेरे को इसको जनरल वैल्यू लगानी है तो बस π/2 में मेरे को 2nπ और जोड़ देना है, जनरलाइज हो गया। नहीं आया समझ में? 2nπ रोटेट होता जाएगा, बार बार देता जाएगा। नहीं आया समझ में? तो जनरलाइज होने का मतलब यह है कि आयोटा तक पहुंचना है ना, जैसे इस जगह तक, तो बार बार इसी जगह पहुंचा जाएगा, ठीक है ना, हर बार रोटेशन के बाद सेम जगह पे पहुंचेगा। एनीवे, अब इसी के अंदर, इसी का पार्ट ए के बाद बी पे आ जाता हूं। अगर किसी ने मेरे से पूछा, वैसे ये थोड़ा आउटडेटेड हो गए हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि इतने भयानक क्वेश्चन बच्चे के झेलने की हिम्मत ही खत्म हो गई। आयोटा की पार, अगर किसी ने मेरे से आयोटा की जनरल वैल्यू पूछी तो मुझे पता है आयोटा टू दोबारा आयोटा का मतलब हो गया e^2nπ + π/2 iota। सोच लिया, 2 to the power iota। नहीं है? अगर ये बात समझ में आ गई तो इसका मतलब e^-2nπ + π/2। बस क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है ना। हाँ आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगले पे आ रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंटरेस्टिंग। इफ ब्रैकेट में देखा है cos θ + i sin θ मल्टीप्लाइड टू cos 2θ + i sin 2θ मल्टीप्लाइड टू cos 3θ + i sin 3θ एंड डेट डैश इट इज ऑल मल्टीप्लाइंग टू, ठीक है ना, लास्ट इज cos nθ + i sin nθ, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1। देन वो कहता है थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है ना, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। अब आगे चलता हूं, इसी के अंदर फिर दिमाग लगाना है, रेडी। कैसे दिमाग लगाना है, बड़े ही ध्यान से सुनना। देखिए साहब, इसमें आप में से किसी को एतराज नहीं होगा अगर मैं बोलता हूं कि मुझे ये ब्रैकेट e^i θ दिख रहा है, अरे cos θ + i sin θ अभी भी नहीं आया। अच्छा ये क्या दिख रहा है फिर? e^i θ 2θ। अगला क्या दिख रहा है भाई? i θ 3θ। श्योर है? और ऐसे बढ़ते बढ़ते e^i लास्ट में कौन? i n θ। अब सोचो सारी चीजें आपके पास में e की फॉर्म में आ रही है, तो आपके पास में 1b e की फॉर्म में आना चाहिए। तो आपके पास में देखो, अगर आप दिमाग लगाओ, e^i 0 लिखना तो बेवकूफी है ना, माने आप e^i 0 लिख रहे हो, इसका मतलब थोड़ी देर बाद में e^0 बोले वापस बना जाएगा। नहीं समझ में आया? तो आप क्या करोगे ना, इस जगह पे इसको ठहरा दोगे e^i 0 + 2nπ। नहीं सोचने में आया? जनरल वैल्यू लगा लोगे, अभी सिखाया था ना,
अरे जीरो तो लिखा ही है, टू एम पाई भी लिख दिया, जनरलाइज कर दिया, नहीं आया समझ में? अभी सीखा था ना आयटा को कैसे लिखते हैं, पाई बाई टू नहीं लिख करके, एक ही बार आयटा पाई बाई टू तो लिखते ही है। और अगर आपने ये भी लिख दिया तो कोई गलत नहीं है, दुनिया समझ जाएगी आयटा ही लिखा था, लेकिन उसने जनरल वैल्यू में लिखा था। तो अब आपने वन लिखा, एक ही बार आयटा जीरो, और प्लस में टू एम पाई क्यू जोड़ दिया, ताकि जनरल वैल्यू है, कोई एतराज नहीं करेगा। एनीवे जो भी आया, अब करना क्या है, हर बच्चे को बताएं बेस सेम है, ऊपर की बार आयोटा कॉमन आ जाएगा, अंदर ही अंदर थीटा प्लस टू थीटा प्लस थ्री थीटा, और ऐसे बढ़ते बढ़ते एन थीटा, और आपको तो ये पता ही होगा ये बन जाएगा ई की पार आयोटा टू एम पाई। सोच लिया आपने? अच्छा बताइए, थीटा कॉमन आ गया, अंदर वन प्लस टू प्लस थ्री से लेके एन तक, एक से लेके एन तक का सम, तो यहाँ पे हो जाएगा ई की पार आयोटा इंटू में कितना, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू बराबर में कितना, ई की पार आयोटा ब्रैकेट में टू एम पाई। हाँ भाई अब बताओ अपने को करना क्या, अपना थीटा भाग गया, हाँ वही मैं ही सोच रहा, थीटा किधर गया, ठीक है ढूंढना तो थीटा ही था, अब बताओ क्या करूं। अच्छा तो थीटा इज इक्वल टू में फोर, सोच लिया एम पाई अपॉन एन इंटू एम प्लस वन, अरे इसको इससे बराबर बैठा दिया, बैठा दे मेरे को बदल गया, थीटा की वैल्यू तो देनी थी, थीटा को छोड़ के बाकी सामान को इधर कर दिया, क्या ये बात समझ में आ गई, आयटा की जरूरत ही नहीं पड़ी, थीटा इज इक्वल टू इतना, सही ना, कंपेयर किया कंपेयर। अब देखो आपने एक और नई चीज भी सोची और सुनी, अब आप एक और पॉइंट पाता हूं, रेडी अगला क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ वन प्लस आयोटा टेन अल्फा, वन माइनस आयोटा टेन अल्फा टू द पावर टू एन, माइनस एक दूसरे ब्रैकेट में देखा वन प्लस आयोटा टेन टू एन अल्फा अपॉन वन माइनस आयोटा टेन टू एन अल्फा इज गुड क्वेश्चन मार्क। आपकी बुद्धि तेज और तेज करने के प्रयास जारी है हमारे, अरे आप असली जगह तो आप पहुंचे हो, ई की पारा एटा पे, मतलब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये चैप्टर अच्छा है, मतलब मजा आएगा अभी इसमें, देखो क्या जबरदस्त चैप्टर चल रहा है, कि जहां पे भी बात लगे कि हल्की पड़ रही है टू एम पाई चिपका दो, टू एम पाई चिपका दो, क्योंकि कुछ गलत नहीं है, जनरल वैल्यू भाई, एन की वैल्यू बार बार मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, एन की वैल्यू लेता रहेगा और आता रहेगा। एनीवेज पे आ जाओ, ये आपको ऐसा दिख रहा है ना, किसी बच्चे को हो सकता है ये क्या ऐसा दिख सकता है, सोचो, अरे ये दिमाग लगाओ कैसे, टेन को साइन बाय कॉस कर दिया, एलसीएम ले लिया मैंने, अच्छा तो फिर तो सर इधर भी करो ना टेन का, कर देते ना, कितना दिखेगा कॉस टू एन अल्फा प्लस आयोटा साइन अपॉन में नीचे कितना कॉस टू एन अल्फा माइनस आयोटा साइन टू एन अल्फा। अब जो समझदार बच्चा है फिर से दिमाग लड़ा रहा है, सर ये तो ई की पावर कितना आयोटा अल्फा अपॉन में ये कितना ई की पावर, हाँ अब ध्यान से बोलना, ध्यान से बोलना, ई की पावर कैसे, तब तक इधर दिमाग लगाओ। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का मतलब कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा भी हो सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो ई की पावर माइनस कह सकता हूं ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, तो दैट इज नथिंग बट ई की पावर माइनस आयोटा अल्फा की पावर टू एन। अच्छा तो सर अगर बाय द वे इसको देख रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे, ई टू द पावर कितना आयोटा थीटा कितना है टू एन अल्फा, तो आयोटा इंटू टू एन अल्फा अपॉन में ई टू द पावर, इसको कैसे लिखूं आयोटा इंटू माइनस टू एन अल्फा, क्या ये बात पकड़ में आ गई। अच्छा अब फिर दिमाग लड़ाया, ये आयोटा अल्फा ऊपर जा सकता है, सही है ना, तो ऊपर जाके प्लस का, अरे केमिस्ट्री में तो करते हो ना, ये माइनस वाला ऊपर जाके जुड़ जाएगा, कितना लिखा ई की पावर आयोटा टू आयोटा अल्फा, तो ये हो गया ई की पावर आयोटा इंटू में टू अल्फा, कर दूं टू द पावर टू एन माइनस, ये भी ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा ई टू द पावर आयोटा फोर एन अल्फा, श्योर है क्या। अच्छा बताओ ये दोनों आपस में एड होते हैं या सब्ट्रैक्ट,
मल्टीप्लाई, सही है ना, इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हुआ, हाँ तो ये हो गया e टू द बार आयोटा 4n अल्फा माइनस e टू द बार आयोटा 4n अल्फा, क्या कहते हो, कट गया तो आंसर कितना हो गया जीरो। कहानी पकड़ में आ गई, अगले पे चल रहे हैं। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन पे भी आ गया मैं, मुझे लगा हलचल बढ़ रही है। हाँ भाई, पॉइंट ये है कि मैंने आपके सामने z लिख दिया है और मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इट इज फॉर z स्क्वायर का मॉड और आर्ग्यूमेंट आप बताओ। तो मैं तो बस ये जानना चाहता हूं कि आप ये भी जानते हो कि e की पावर z स्क्वायर में मुझे आगे क्या करना चाहिए। अरे z लिखा हुआ है तो z की वैल्यू रख दो सर, और क्या करोगे आप, अरे z है ना पढ़ा हुआ तो उसको लिख दो, और क्या कर सकते हो, तो इसके सिवा क्या कर सकता है कोई, है मतलब अपन क्या करना चाहते थे, होल स्क्वायर नहीं है, अब क्या करोगे, खोल देंगे और क्या कर देते हैं, खोलो जरा, e की पावर कितना, एक्स स्क्वायर आयोटा वाई का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू आयोटा एक्स वाई, अरे ए माइनस बी का स्क्वायर तो खोलना आता है ना। हाँ भाई, अब मैं आपके सामने गजब काम कर रहा हूं, आप समझदार हो तो बता देना कि आपको समझ में आ गया, e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू ए टू द पावर माइनस आयोटा एक्स वाई, क्यों करा, क्यों, ताकि इसे e की पावर आयोटा थीटा वाली फॉर्म में अलग कर लूं, क्या आपको दिख गया, तो आगे वाला कौन है, मॉड जेड, ये किसका रोल ही मारा है, ये मॉड जेड का रोल ही मारा है, और ये किसका रोल ही मारा है, इट तुम्हारा आयोटा थीटा का, नहीं नहीं मारा दिख रहे हैं, तो हमें इसको बताएगा मेरे को मॉड जेड कितना हुआ, मॉड जेड इजिकल टू कितना हुआ, इट तुम्हारा आयोटा सॉरी सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तो हो गया मॉड, और आर्ग्यूमेंट बोलो आप, आर्ग्यूमेंट सुनना चाहता हूं, आर्ग्यूमेंट कितना माइनस टू एक्स वाई, कितना सिंपल क्वेश्चन था बताइए, सही है, अगली बार थोड़ा और धीरे 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 ग्रोप 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 आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आपका काम है, ठीक है, मैं आपको बहुत छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन है इफ जेड इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा देन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए टू द बार आयोटा जेड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, करो आप, बन जाएगा क्या, ए की पावर आयोटा जेड, Thank you.
हाँ भाई, कितने लोगों का बन गया? बहुत ही कम बच्चे, चार बच्चे। पिछली बार भी मैंने पूछा था ये जेड का क्या करना है, रख दिया क्या आपने? अभी फिर भी नहीं बना। चलिए ट्राई मार लेते हैं। ई की बार आयोटा जेड, ए टू बार आयोटा, और जेड की जगह कितना, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब क्या करना है बताएं? ए टू बार मल्टीप्लाई कर दूं क्या? श्योर है आप? ए टू बार आयोटा आर कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा, श्योर है क्या? इसको फिर अलग अलग कर दूं, ए टू बार माइनस आर साइन थीटा अलग, हाँ है ना? इंटू में ए टू बार आयोटा आर कॉस थीटा अलग, सही है क्या भाई? हाँ भाई, अभी भी सोच के बोलना। अच्छा बताओ, चलो इसका रियल पार्ट, ये वाला। हाँ, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बनाने के लिए एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लाओ। ये तो आपको मॉड जेड है, नहीं समझ में आया? और ये एक ही बार आयोटा थीटा है। एक सेकंड, मॉड जेड एक्स को वापिस लिख रहा हूं, ए टू बार माइनस आर साइन थीटा इंटू में, ये ध्यान है, एक ही बार कितना है, ये एक ही बार आयटा थीटा, किसी को याद भी? एक ही बार आयटा थीटा बोले तो कितना होता है? कॉस थीटा हाँ प्लस आयटा साइन थीटा होता है। थीटा कहाँ है इसमें? आर कॉस थीटा। तो मुझे क्या लिखना चाहिए? कॉस आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन आर कॉस थीटा, सही क्या भाई? आर कॉस थीटा। अब बताओ इसका रियल पार्ट। हाँ, रियल पार्ट बोलो। रियल पार्ट हो गया, रियल पार्ट हो जेड ई टू बार माइनस आर कॉस थीटा, सॉरी माइनस आर साइन थीटा इंटू कॉस आर कॉस थीटा। और इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ? यही मल्टीप्लाइड विद दिस, नहीं आया? कर लेंगे। अरे मेरे को तो पता ही नहीं था आप इतना हल्का खेल जाओगे, मैंने सोचा कर लोगे क्योंकि ना। चलो कोई बात नहीं, अभी देखो आप, अभी तो आप रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करने में भी घबरा रहे हो, ठीक है ना? ये भी आप सोचो, इट्स अ प्रॉब्लम। आप सोचो अभी बड़े बड़े क्वेश्चन से पहले तो आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। लगे रहो, कोई बात नहीं, अपन भी क्वेश्चंस कुछ ऐसा नहीं है कि रोक के करा रहे, खूब जितने छोटे बड़े, यदि कोई बड़ा क्वेश्चन तो जानबूझ के दो पार्ट कर लेता हूं उसके। इफ जेड पी इज इक्वल टू कॉस पाई अपॉन टू टू द पावर पी प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन टू टू द पावर पी, देन लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिट जेड वन इंटू जेड टू इंटू जेड थ्री से लेकर के जेड एन। हाँ भाई, करिए, ट्राई करिए कम से कम। कोई तरीका बेटा, किसी का सतू ना? मेरे को तो अभी समझ में आ जाएगा जब आप मुझे बता दोगे कि आप इसमें, सुनो मेरी बात, कि आप इसमें ई की पार आयोटा में खेले या पोलो फॉर्म में खेले। ई की पार आयोटा में। अच्छा बताएंगे जरा इसकी वैल्यू कितनी होगी? ई की पार पाई बाई टू, हाँ टू टू बार वन इंटू आयोटा। आपको पता भी है ये क्या लिखा है? ए टू दुबार आयोटा पाई अपॉन टू टू दुबार पी। तो जब जेड वन आएगा, तो जब पी है तो पी है, जब जेड वन आएगा तो पी की जगह वन, अगले नंबर पे जब जेड टू होगा तो ई की पार आयोटा इंटू में पाई अपॉन टू टू दुबार टू, नहीं है? इंटू में कितना? ए टू दुबार आयोटा इंटू में पाई अपॉन टू टू दुबार थ्री, नहीं है? आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट क्या आएगा? ई टू दुबार आयोटा पाई अपॉन टू टू दुबार एन। सोचो, जो चीज अगर मैं कॉस में लिखता तो मेरा कॉस लिखने में इतनी दूर चला जाता जेड वन,
फिर जेड टू फिर जेड थ्री, मैं सोचना बंद कर देता। ई की पार आयटा मेरे को बहुत कम स्पेस में ज्यादा जगह दे रहा है। और मुझे पता है सब में ये तो बात पक्की, ई की पार आयटा कॉमन आ गया और इवन पाई भी कॉमन आ गया। अंदर ही अंदर छूटा 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/2 का क्यूब एंड सो ऑन 1/2 टू द बार एन। और लिमिट कितनी चल रही है, एन टेंस टू इनफिनिट। अगर आप में से किसी को पता ये एन टेंस टू इनफिनिट किसी काम की नहीं है सिवाय ये बताने के कि इनफिनिट जीपी है। दिख रहा है आपको एन कहां तक खुलेगा, इनफिनिट तक। तो राइट नाउ इट इज इनफिनिट जीपी, और इनफिनिट जीपी का सम नहीं जानता मैं। तो ई की पावर आइटा पाई इंटू ए, ए की वैल्यू कितनी 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2, तो कितना रहेगा ई टू द बार आइटा पाई, बोले तो -1। ई की पावर आइटा -1, ई टू द बार आइटा पाई -1 होता है। क्यों? कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई -1 ही होगा। साइन पाई तो 0, कॉस पाई -1। खटाखट सोचो, मैं बार बार प्रेशर डाल रहा हूं आपके दिमाग पे, चलते चला ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करेंगे। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है, रेडी? If x plus 1 upon x is equal to 2 cos theta, then prove that x to the power n plus 1 upon x to the power n is equal to 2 cos n theta. देख लिया? अगले पास जाओ। हाँ भाई, ये देख के आइडिया लगता है, बड़े ध्यान से सोचना। इसको देखने के बाद आपके दिमाग में ये आइडिया आएगा कि x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू कॉस थीटा तभी होता है जब x इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस। अब मैं किसी को बताए इसका मतलब होता है e की पावर आइटा थीटा, तो बताएंगे जरा 1 अपॉन x मान हो जाएगा, अरे सोचो ना e की पावर आइटा थीटा का 1 अपॉन e टू द पावर आइटा थीटा, नहीं आया समझ में? अरे 1 अपॉन x माने इतना, तो e की पावर कितना e टू द पावर माइनस आइटा थीटा। e टू द पावर माइनस आइटा थीटा को cos में कैसे लिखूं? हां हां, e टू द पावर माइनस आइटा थीटा का मतलब होता है e टू द पावर आयोटा इंटू माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, बोले तो कॉस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा। आया समझ में? इसलिए एक्स इज इक्वल टू जानबूझ के कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिया गया। वही मैं आपको बार बार बोलता हूं ना, क्योंकि आपने ये पहली बार पढ़ा है तो आपको इस तरह की चीजों की हैबिट ही नहीं कि सबको कैसे स्ट्राइक करा। क्योंकि मैं तो ये लिख रहा हूं बकायदा, ये देख के आइडिया हुआ मुझे कि इसके जगह कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा मान मानते क्या होगा, जैसे ही अपन इसको जोड़ेंगे जोड़ते क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट कट जाएगा और याद आएगा नहीं आया। यहां तक की बात आपके दिमाग में आ गई, तो अब अपन आते हैं आगे। इसका मतलब अपन ने बिल्कुल सही सोचा, इसका मतलब हमने x की जगह ये लेना बिल्कुल सही किया। अगर ऐसा कर दिया है तो एनी अब चलते हैं ठीक है। नाउ आप मुझे बताओ x टू द पावर n का मतलब क्या होगा भाई? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n हो जाएगा। इसका मतलब आपके हिसाब से e टू द पावर आयोटा n थीटा हो जाएगा, और मेरी नजरों में ये cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा बन जाएगा। सोचो e टू द पावर आयोटा n थीटा का क्या मतलब हुआ? नहीं है। इसका मतलब ये कि आप ये बात समझ जाएं कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n होने पर cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा होता है। नहीं पकड़ में आया? हाँ, आप बदल डाल लो वापस की। इसका मतलब सोचो 1 अपॉन x की पावर n का मतलब क्या होगा? cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अरे अभी सिखा था ना, 1 अपॉन x होने पे cos थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा की पावर कितना? इसका मतलब e की पावर माइनस आयोटा n थीटा, बोले तो कितना cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। अब मुझे तो क्या चाहता है मुझसे, ऐड कर दे भाई x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन x टू द पावर n, बोले तो कितना, ये दोनों कट जाएंगे क्या रह जाएगा 2 cos n थीटा, हेंस 2।
अब आपको ये बात धीरे धीरे समझ में आने लग गई है कि cos थीटा प्लस आयटा sin थीटा या e की पावर माइनस सॉरी e की पावर आयटा थीटा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप हमेशा इनको यूज करते हैं कैसे कब आपको उसी समय डिसाइड करना है। चलिए ट्राई कीजिए, ध्यान रखिएगा पावर एंड के जितने क्वेश्चन होंगे उनमें ऑयलर फॉर्म माने यूलर फॉर्म बहुत काम किए। ट्राई कीजिए, एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया, इसको यूलर फॉर्म में बदलिए, वन प्लस आयटा को वन माइनस आयटा को पावर एंड लगाइए, आंसर आ जाएगा अगर बदला जाता है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है। बन गया क्या सीरियसली? देखिए साहब, जिन लोगों से नहीं बना वन प्लस आयटा को चेक कर लें, रूट टू इंटू ई टू दोबारा आयोटा पाई बाई फोर, पहले हाँ के ना। अब दूसरे वाले पे आते हैं, वन माइनस आयोटा इज इक्वल टू कितना, रूट टू इंटू ई टू दोबारा आयोटा इंटू माइनस पाई बाई फोर, भाई आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ही तो लगाना होता है। ये भी बन गया, तो हमें पता है कि ये चाहता है वन प्लस आयोटा टू दोबारा एन, जैसे मैं पावर एन लगाऊंगा ये रूट टू टू दोबारा एन हो जाएगा, ठीक है ना, और ये e to the power iota pi by 4 to the power n होगा, तो यह n जो होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं आया, जैसे ये मल्टीप्लाई होगा मैं 1 माइनस iota की पावर n पे आऊंगा, तो ये रूट टू की पावर n तो हो ही गया, e to the power iota into में माइनस में n pi by 4 इधर भी होगा, याद है ना मैं भी इतनी बार बोल चुका हूं जितना डिग्री होता है उतना मल्टीप्लाई हो जाता है। अब अगर मैं इसे cos में खोलता हूं तो ये हो जाएगा रूट टू टू द पावर n, ठीक है, और ये अगर खुलेगा तो cos n pi by 4 प्लस आयोटा साइन एन पाई बाय फोर, हाँ या ना, और ये कितना हो जाएगा रूट टू टू द पावर एन इंटू में कितना कॉस एन पाई बाय फोर माइनस आयोटा साइन एन पाई बाय फोर। अब बताइए मुझे क्या करना है, दोनों को ऐड, क्योंकि ये भी ऐड कर रहा है, राइट है, तो मैं जैसे ऐड करूंगा इट विल बिकम वन प्लस आयोटा टू द पावर एन प्लस कितना वन माइनस आयोटा टू द पावर एन और टू टाइम्स, याद है ना, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहां टू टाइम्स ये हो जाएगा रूट टू टू द पावर एन और यहां कितना हो जाएगा कॉस एन पाई बाय फोर। समझदार व्यक्ति जानता है ये रूट टू की पावर टू है, रूट टू टू द पावर एन पहले से ही है, तो फाइनली हो जाएगा रूट टू टू द पावर एन प्लस टू इंटू में कितना, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ भाई अगला क्वेश्चन, हाँ भाई एक और क्वेश्चन करना है, राइट है, अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इफ कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, राइट है, देन प्रूव दैट फर्स्ट कॉस टू अल्फा प्लस कॉस टू बीटा प्लस कॉस टू गामा इज इक्वल टू साइन टू अल्फा प्लस साइन टू बीटा प्लस साइन टू गामा। बी साइन थ्री अल्फा प्लस साइन थ्री बीटा प्लस साइन थ्री गामा इज इक्वल टू थ्री टाइम्स साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सी कॉस थ्री अल्फा प्लस कॉस थ्री बीटा प्लस कॉस थ्री गामा इज इक्वल टू थ्री कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये बोला है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री के टाइम पे आपको उस टाइम इसलिए नहीं कराया जाता क्योंकि ये चीज कॉम्प्लेक्स नंबर में करवानी होती है, बात समझ में आई आपको, ये एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन ही है, ठीक है ना, तो उस समय तो आपने इतना होता नहीं है दिमाग, तो इसलिए हम लोगों का वेट करना पड़ता है आपके मैच्योर होने का, ठीक है, लेकिन क्या है ना आप आपकी गाड़ी उल्टी जाती है,
आप इमेच्योर हो जाते हो, मतलब आप मैच्योर से भी एक आधी एम ज्यादा ले आते हो, उल्टा एक आधी आई भी ज्यादा ले आते हो, ठीक है ना। चलिए अपन आगे चलते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, इसको कैसे डील करेंगे? देखिए साहब, सबसे पहले इसमें फिक्स तरीका है। एक Z1 मान लो, Z1 is equal to मैं ले लेता हूँ cos alpha plus iota sin alpha, ले लूँ। Z2 is equal to मैं ले लेता हूँ cos beta plus iota sin beta, right है? और एक अपन ले लेते हैं Z3, Z3 is equal to ले लेते हैं cos gamma plus iota sin gamma। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये मैंने अज्यूम किया है ना, तो लेट लिख दूँ। अगर मैंने ये अज्यूम किया है तो मैं सोच रहा हूँ कि अब आगे क्या करना है। आगे के लिए पहले से प्लान तैयार है। एक 1 upon Z1 और लिख देता हूं, 1 upon Z1। अब आपको उम्मीद है आने लग गया होगा cos alpha minus iota sin alpha, कॉमन में तो नहीं है ना आप लोग। 1 upon Z2 is equal to जाएगा cos beta minus iota sin beta, 1 upon Z3 is equal to जाएगा cos gamma minus iota sin gamma। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो बताइए, यहां तक बराबर है ना? हाँ, मैं धीरे धीरे चल रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरे को है ना, मेरे को ये समझना है कि आप भी समझें, ठीक है ना, कैसे मानना है, पहले ये करना है। क्वेश्चन अभी तक टच भी नहीं किया मेरा, है ना। हाँ, अब धीरे 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 क्वेश्चन में एंटर होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें ना, ए तो cos 2 अल्फा वाला है, ध्यान से देखा आपने, और बी और सी 3 अल्फा वाले लोग हैं, तो मतलब पहला क्वेश्चन तो ऑल टुगेदर अलग है और बी और सी अलग है ना। अब धीरे धीरे फिर से वापस आगे बैठो, बी तक जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को आपसे पूछना पड़ेगा कि अगर मैं आपको Z1 plus Z2 plus Z3 का होल स्क्वायर पूछूं तो आप मुझे एक मुझे Z1 का स्क्वायर प्लस प्लस Z3 का स्क्वायर माइनस या प्लस प्लस 2 Z1 Z2 Z3 1 upon Z1 1 upon Z2 plus 1 upon Z3 बोलोगे, है ना, ऐसा कहोगे आप। अच्छा, अभी भी और दिमाग लगाना है और अच्छे से सोच रहे हैं। अच्छा, आप ध्यान से देखिए कि Z1 plus Z2 plus Z3 का मतलब हो गया ये तीनों का सम, तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ तीनों का सम, cos alpha plus cos beta plus cos gamma, ठीक है ना, प्लस में iota into ब्रैकेट में sin beta plus sin gamma का होल स्क्वायर नहीं है। अच्छा, तब तक मैं आपसे एक बड़ा यूनिक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे Z1 का स्क्वायर बताओ। Z1 कौन है ये बताओ, छोड़ो आप तो सब, Z cos alpha plus, तो उसका स्क्वायर कितना हो गया, cos 2 alpha। हाँ, क्योंकि जितनी डिग्री होती है उतना अल्फा कर लेते हैं, अभी सिखाया था ना, तो क्या लिखूं, Z2 की जगह, इस Z2 की जगह cos 2 alpha plus iota sin 2 alpha, सही है ना भाई। अच्छा, प्लस Z2 का स्क्वायर की जगह cos 2 beta plus iota sin 2 beta, ऐसा कर दूं, प्लस कितना cos 2 gamma plus iota sin 2 gamma, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो बोलो। अभी तक तो अपन ने सिर्फ ये तीन बंदों को उतारे, ठीक है, अब आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे की बात तो सुनो, आगे की बात क्या है, प्लस में 2 टाइम्स, प्लस में 2 टाइम्स Z1 ही लिख रहा हूं, Z2 ही लिख रहा हूं, Z3 ही लिख रहा हूं ताकि जगह बचा लूं, ठीक है ना। 1 upon Z1 का मतलब मुझे पता है, 1 upon Z1 का मतलब होता है cos alpha plus cos beta plus cos gamma minus common iota में sin alpha plus sin beta plus sin gamma। इसलिए अलग आप में से कई लोग समझदार हैं, वो समझ जाएंगे कि सर ने ये क्यों नहीं खोला, क्योंकि उन्हें पता है कि इसकी वैल्यू जीरो दे रखी है, ये तो जीरो है, जीरो माइनस आयोटा साइन जीरो, ये भी जीरो है। अरे जीरो दिया है, मैं क्या करूं, जीरो माइनस जीरो जीरो, जीरो की मल्टीप्लाई जीरो, ये तो फोकट है ना, एक क्यों लाइन को घिस रहा हूं मैं, ये तो दिखाने के लिए भाई कि देखो जीरो होने वाला था। एनीवे, अच्छा आपको ये तो पता चल गया था कि इतनी दूर तक cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा ये भी जीरो, प्लस आयोटा के अंदर ये सारी पार्टी भी जीरो, तो फाइनली इधर की तरफ जीरो बन गया, इधर वाला नहीं बन गया, ठीक है ना। इज इक्वल टू में अगर आप पहचाने तो मेरे को क्या करना चाहिए, cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos cos 2 gamma, श्योर है, ठीक है ना, प्लस iota के अंदर कितना sin 2 alpha plus sin 2 beta, ठीक है ना, sin 2 beta plus sin 2 gamma, श्योर, और प्लस ये सब भी जीरो नहीं है, सही है। अच्छा, अब आपको ये तो पकड़ में आ ही गया होगा कि भाई फाइनली ये प्लस ये आयोटा ये बराबर जीरो है,
फिर तो कंपैरिजन भी होगा। अब इधर का जीरो जीरो नहीं रहा, जीरो प्लस जीरो आइटा हो गया, याद है ना आपको, क्योंकि इक्वल टू जीरो होने का मतलब होता है जीरो प्लस जीरो आइटा। श्योर इज इक्वल टू में कितना, यही सब कुछ टांटीम समेशन कॉस टू अल्फा। श्योर इसकी जगह छोटा करके लिख दिया यार, प्लस आयोटा, इस सब की जगह भी छोटा करके लिख दिया समेशन में आयोटा। अच्छा बताओ ये प्लस ये बराबर आयोटा प्लस जीरो आयोटा, तो क्या आप समझ गए कि समेशन कॉस टू अल्फा जीरो एंड समेशन, क्या आंसर प्रूफ क्या करना था ये तो बता दो। अच्छा दोनों इक्वली तो हो गए फिर, नहीं यार इंप्लाइज क्या लिख दूं, समेशन कॉस टू अल्फा इज इक्वल टू कितना समेशन। अच्छा एक काम डन हो गया, आजो ये तो कौन सा वाला पार्ट हुआ ए, अब आपको एक फील तो आ गई, मस्त चैप्टर है ठीक है, बी पे आओ बी। अरे ये तो इंटीग्रेशन में हुआ करता था साहब हमारे, जान लेता जान इंटीग्रेशन में, हाँ कॉस टू बार सिक्स थीटा का इंटीग्रेशन करो, जेड वन प्लस आयटा जेड वन, मतलब जेड वन प्लस वन अपॉन जेड वन की पावर सिक्स, नहीं समझ में आया। एक पता है आपको जेड कितना होता है, अरे कॉस अल्फा प्लस आयटा साइन अल्फा, वन अपॉन जेड कितना होता है, दोनों का सम कितना होता है, जेड प्लस वन अपॉन जेड टू कॉस अल्फा, सही है। तो मेरे से अगर किसी ने बाय द वे ये पूछा कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू द पावर सिक्स थीटा, तो मैं उसे यही तो कहूंगा कि जेड वन प्लस वन अपॉन जेड टू द पावर सिक्स डॉट डी जेड और बार वन बाय टू या टू जो भी करना हो कर लेंगे, नहीं है कहानी पकड़ में आई, हाँ ये अलग चलता रहता है, वो टू की पावर सिक्स होगा वैसे, इसलिए मैं लिख नहीं रहा था ठीक है, नहीं समझ में आया खुपड़ी में गुजर नहीं गुजर, हाँ अपॉन में टू वन अपॉन टू की पावर सिक्स होगा तो इसलिए लिख नहीं रहा था। अब ये खुलता बाइनोमियल से, हाँ और वो तो खुल जाता, खुलने के बाद हम लोग इसको एक एक को पटक के फेंकते हैं, ये कॉमन वोमन जेड की पावर जेड टू द पावर सिक्स प्लस वन अपॉन जेड टू द पावर सिक्स अलग डील होता, जेड टू द पावर फोर प्लस वन अपॉन जेड टू द पावर फोर अलग डील होता, तो चार पांच इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन चलते रहते थे। एनीवेज कोई बात नहीं ठीक है, है ना, हमने दुख ज्यादा झेले तो आप कम झेलो, तो हमारे क्या जा रहे हैं, हमारे टाइम को कौन सा आपसे रिप्लेस करवाना है ठीक है। पॉइंट नंबर बी और सी बात है, क्या करना चाहिए, तीन अल्फा के ऊपर बात हो रही है, कोई ट्रिक ऐसी बताओ जिसमें मेरे को थ्री अल्फा मिल जाए, क्यू जेड वन का क्यू प्लस जेड टू का क्यू प्लस जेड थ्री का क्यू, इससे पहले कि आप इस पे बोलो कुछ भी मैं याद दिलाना चाहता हूं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू कुछ याद आता तो बोल दो, थ्री फिजिकल टू थ्री एबीसी होता है, कब मेरे को याद नहीं आता कब, अगर ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू, इसका मतलब ये कि ये थ्री जेड वन जेड टू जेड थ्री हो जाएगा, अगर मैं आपको बता दू जेड वन प्लस प्लस जेड थ्री की वैल्यू, हाँ अब इधर दिमाग लगाओ, जेड वन बोले तो बट वन में सोचना जो भी सोचना, देखो इसका मतलब मैं आपको समझाऊं, इसका मतलब मैं डायरेक्ट लिख दू छोटे जो समझदार व्यक्ति उनके लिए, इसका मतलब आयोटा वायटा कॉमन ले लिया मैंने, समेशन कॉस अल्फा प्लस आयोटा समेशन साइन अल्फा इजिकल टू जीरो है क्या है। क्यों है, क्योंकि समेशन कॉस अल्फा माने क्या, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा और उसकी वैल्यू क्या है जीरो, वो तो सरकारी है, इसकी समेशन साइन अल्फा माने साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, ये भी तो जीरो गिवन है, माने ये गिवन है ना मेरे को। अच्छा मतलब सरकार ने मुझे जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री बराबर जीरो दिया है तो मैं यूज करूंगा, अब सरकार ने अगर मुझे ये दिया है तो इसका मतलब ये वाली बात ट्रू है, अरे तो गिवन है गिवन दिया है भाई दिया है ठीक है, तो मैं इसका यूज क्यों नहीं करूं, अगर मैं इसका यूज करता हूं तो आप मैं सबको बताऊंगा जेड वन का क्यूब माने कॉस अल्फा प्लस, लिख लेता हूं कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा का क्यूब, अरे और जेड टू की जगह कॉस बीटा प्लस, आपको मेरी मेहनत करना अच्छा लगता है क्या, कॉस का अरे गधे करते हैं मेहनत ठीक है, आपके कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं हुए ठीक है। अच्छा जेड वन की जगह अब देखो स्मार्ट गधा क्या करता है, ई टू द बार आयोटा अल्फा है ना, उसे पता है मालिक बहुत मेहनत कराएगा ठीक है। अच्छा इंटू जेड टू की जगह कितना ई टू द बार, अरे इसको भी लिख सकता था ना मैं लेकिन मैं लिख नहीं रहा था, मैं सोच रहा था इज्जत बना के रखो भाई, इट टू द बार आयोटा तो फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, नहीं यार
तीनों चिपका दिए मैंने, नहीं पकड़ना है आपके। अच्छा बताओ साहब, ये आप में से कितने लोगों की खोपड़ी में घुस गया, ये लिखा हुआ है cos प्लस cos, अरे cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा। अरे मैंने कहा ना मेहनत गधे करते हैं, गधे अपन नहीं करेंगे ना। आपके समझ में नहीं आया अभी तक तो, समझ में आ गया तीन अंदर चला जाता है। आने वाले टाइम में ये भी एक थ्योरम है, डी मोइवर्स थ्योरम, जो आप अभी पढ़ रहे हो कि पावर अगर बाय द वे रैशनल है तो अंदर चली जाती है, 2/3 होने पे नहीं जाएगी। इधर आओ, तब तक खोपड़ी में चलाने। देखिए प्लस में कितना, आयोटा साइन 3 अल्फा प्लस साइन 3 बेटा प्लस साइन 3 गामा, सही है। ये सब मैंने लिख दिया भाई। अब मेरे को सिर्फ आपको आरएचएस बताना है, ये लिखवाओ। कितने लोग लिखवाते हैं, 3 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अच्छा बताओ इसकी वैल्यू कहां से लाऊं, क्यों जीरो क्यों, सोच के बोलना। अरे काय का जीरो, कंपेयर होगा। अरे ये प्लस ये आयोटा बराबर ये प्लस ये आयोटा, तो कंपैरिजन बोलो ना क्या आएगा। बाय कंपैरिजन cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा इज इक्वल टू कितना, 3 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इधर की तरफ sin 3 अल्फा प्लस sin 3 बीटा प्लस sin 3 गामा इज इक्वल टू में कितना, 3 sin अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या ये प्रूफ हो गया कि नहीं, एक साथ बी और सी कम, सही है। आलो ठीक है। अरे ये 9 थे, ये 9 क्वेश्चन थे 9, लेकिन क्या मैंने ऊपर के 3 ऊपर के उड़ा दिए, छोटे छोटे थे, बीच के उठा लिए सारे बड़े बड़े। ये 9 क्वेश्चन है, 9 होश उड़ जाए आपके, सीरीज है सीरीज। हाँ 10 मिनट तो हो गए होंगे। अच्छा 10 मिनट मुझे रुकने को मेरा, तुम ताकि मैं आराम से बात कर सकूं। ये तो नहीं करेगा, लेकिन इसके आसपास के सब लग जाएंगे। आप लोग तो ये बात है कि अगर सर ये ना बर्गर वर्गर ये हल्की चीज मत करो सर, आप सर आप तो नीचे बढ़िया कैंटीन बना दो आप, थोड़ा इज्जत वाला। अच्छा मैं आपको तब तक ये बता दूं कि ये जो देने वाला क्वेश्चन है वो ऐसे दे रहा है, मतलब मैंने ऐसे दिया, हो सकता है किसी जगह आपको ये भी मिल जाए कि समेशन में cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस 3/2 है ना। मैं थोड़ा ये भी आपको बता दूं कि अगर ऐसा भी दिया है ना तो इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। ये बड़ी दासू चीज़ है, ये आपको नहीं पता ठीक है ना। वो ये नहीं देगा, वो ये देगा कि इफ दिस इक्वल टू, तो उसमें पहला क्वेश्चन ये खुद ही हो जाएगा, जो अपने को गिवन है ना वो खुद ही क्वेश्चन हो जाएगा। ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये आ गया, तो ये क्वेश्चन तो यही हो गया। फिर उसके बाद 3-4 क्वेश्चन लाइन के अंदर ये वाले बनते रहेंगे ठीक है। इनके पार्ट एंड पार्शियल है, चलता हूँ आगे। हाँ भाई अगले पॉइंट पाता हूँ। चलें नेक्स्ट। हाँ भाई अगला पॉइंट ले रहे हैं ठीक है। ये भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो में भी होता था, लेकिन अपन अब आए हैं, कोई बात नहीं। स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, करें इस पे बात है ना। देखिए साहब ऐसा है, हम लोग जिसके ऊपर बात करना चाह रहे हैं वो है x प्लस आयोटा वाई का अंडर रूट ठीक है ना भाई। इसे x प्लस आयोटा वाई बोलिए या x माइनस आयोटा वाई बोलिए की बात है ठीक है ना। एक मिनट बैठी गई सर। हाँ भाई आ गया मैं, आज काफी सारी बातें आपके वजह से लगता है। अच्छा देखिए अब आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर आपने अंडर रूट लिया तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंडर रूट से आएगा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, अल्फा प्लस माइनस आल्फा बीटा से ठीक है ना, एक तरीका। बात समझ में आ गई। अच्छा या मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इस जेड को, इस एक्स प्लस आल्फा वाई को या एक्स माइनस आल्फा वाई को जेड माना हुआ है ठीक है ना,
तो अगर भाई तो मुझे इसका कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है, तो इसके कॉम्प्लेक्स नंबर को निकालने का एक आसान रास्ता जो होगा, ठीक है ना, वो है प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ मॉड जेड प्लस एक्स डिवाइड बाई टू, मॉड जेड प्लस एक्स बाई टू, ठीक है ना, प्लस माइनस आयोटा अंडर द रूट ऑफ मॉड जेड माइनस एक्स बाई टू, राइट है। ये इसका एक छोटा तरीका है, हालांकि हम लोग सारे तरीकों का यूज सीखेंगे, कैसे करना है क्या करना है वो सब सीखेंगे, लेकिन समय पड़ने पे इसका यूज ज्यादा करेंगे, ठीक है ना, ये हमारे लिए ज्यादा आसान रहेगा। तो वो खुद भी तो दो है ना, अभी बता दूंगा, चिंता की बात नहीं, मैं पूरी कहानी समझाऊंगा क्या है। जैसे मान लीजिए मैं इधर की तरफ इसका एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ताकि एक मैं कर दूं एक आप कर दें। अंडर रूट के अंदर जैसे मेरे से किसी ने 7+24 आयटा पूछा है, ठीक है, अब अगर मैंने 7+24 आयटा पूछा है तो मैं आपको पहले बता दूं इसका मॉड जेड इज इक्वल 25 हो गया, सही है, तो मेरे लिए आंसर हो जाएगा प्लस माइनस पक्का है, ठीक है। अच्छा अंडर रूट के अंदर अंडर रूट मॉड जेड का मतलब 25+7/2, ठीक है ना भाई, 25+7/2 प्लस, प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस, उस प्लस के साथ ये वाला प्लस है ना, प्लस आयोटा अंडर द रूट ऑफ 25-7/2, ठीक है ना, तो मेरे पास में आंसर क्या आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो गया 4, डायरेक्ट लिख दो 4 प्लस आयोटा, यहाँ कितना हो गया 3, 4 प्लस आयोटा 3, क्या ये बात पकड़ में आ गई, लीजिए साहब एक क्वेश्चन खड़ा, ठीक है। इसकी जगह अगर भाई दे क्वेश्चन में होता, ठीक है, अगर क्वेश्चन होता -7+24 आयोटा, ठीक है, -7+24 आयोटा होता तो मेरी तरफ से आंसर क्या कोट होता, प्लस माइनस लगता, सही है, अंडर रूट के अंदर मॉड जेड तो वही 25 होता, 24 है, ठीक है ना, तो यहां से लगता था 25-7/2, ठीक है ना, प्लस की जगह प्लस, ठीक है ना, प्लस की जगह प्लस, अच्छा इधर आयोटा की जगह आयोटा, अंडर रूट के अंदर मॉड जेड की जगह 25, एक्स की जगह प्लस 7, अब की बार यहां प्लस 7 डिवाइड बाई 2 होता, तो मेरी तरह से बन जाता है कितना, प्लस माइनस कितना 3+4 आयोटा, ठीक है ना भाई, 3+4 आयोटा। अच्छा एक और क्वेश्चन यहीं यहीं क्रिएट कर दूं, जैसे अगर भाई तो ये होता अंडर रूट में 7-24 आयोटा, ठीक है, तो क्या होता, मॉड जेड तो वही 25 रहता, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट, और यहां कितना होता 25+7/2 माइनस, ठीक है ना, आयोटा इंटू अंडर द रूट ऑफ 25-7/2, क्वेश्चन खत्म, सही है, यहां कितना होता था 4-3 आयोटा प्लस माइनस, ठीक है। अच्छा पहले यहां तक कर लें आप, है ना, फिर मैं आगे बताऊंगा इसका फटाफट। ये तो अपन ने इसका आंसर निकालना सीखा है ना, अगर मान लीजिए किसी ने मेरे से कहा होता कि आप तो वही प्रॉपर रास्ते से इसका रूट निकालना सिखाएं, तो मैं आपको बताता कि भाई इसका स्क्वायर रूट जो भी होगा, ठीक है ना, ए प्लस आयटा भी मान लेता हूँ मैं, मान लिया मैंने, अगर मैंने ए प्लस आयटा भी मान लिया तो इसका मतलब पक्का है कि मैं लिखता हूँ 8-15 आयटा इज इक्वल टू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा इंटू 2 ए बी, भाई जैसे स्क्वायर करना आता है वो मिला लेना। अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 8, और अगर मैं 2ab का कंपैरिजन करता हूँ तो 2ab इज इक्वल टू हो गया -15, 2ab इज इक्वल टू -15 मुझे यहाँ बहुत अच्छे से समझा रही है कि a, b जो भी है ना अपोजिट साइन के हैं, ध्यान से सोचना आप जरा,
क्योंकि किसी का किन्हीं दो का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आ रहा है इसका तो दोनों पॉजिटिव है ना। अच्छा अगर मैं यहां तक आ गया हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तक, तो इसके बाद वाला स्टेप आपको याद रखना तभी, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस ही आपको सिखाएगी। आपको क्या करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर सोचो। जब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर सोचोगे तब आपको ये बात समझ में आएगी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में फोर टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सोचो आप ये इसके बराबर होगा। अगर ये इसके बराबर होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह आठ का स्क्वायर बोले तो 64। अरे भाई इसकी वैल्यू पुट कर दी प्लस में कितना 4ab 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कितना हो गया 225। सही है ना 225 और ये मिलकर के हो गया 296 289 का मतलब क्या? मेरे को यहां कह सकता हूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर। श्योर है क्या 17 या 17 का स्क्वायर 17 सही है ना भाई, तो मैं इसको 17 कर दूं। अच्छा अगर मैंने इसे 17 कह दिया तो अब मेरे को यहां से एक चीज पकड़ में आ गई है कि मेरे पास फाइनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 17 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ चुका है 8। अब मुझे दोनों को क्या कर लेना चाहिए ऐड और सबट्रैक्ट कर लेना चाहिए। अगर भाई तो मैं ऐड करता हूं ठीक है ना, तो ऐड करने पर 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 25 तो माने a स्क्वायर इज इक्वल टू 25/2। श्योर है? अच्छा पक्का है ना भाई? अच्छा तो a इज इक्वल टू कितना हो गया प्लस माइनस 5/√2। इसको मैं साइलेंटली अलग कर दिया ठीक है। अच्छा अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो सब्ट्रैक्ट करने पे b स्क्वायर आ जाएगा। अरे 2b स्क्वायर 17 में से गया तो 9 तो इट इज 9/2 तो b इज इक्वल टू कितना हो गया प्लस माइनस 9/√2 3/√2। श्योर है ना भाई? अच्छा लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूं, आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है जब a का पॉजिटिव ठीक है देन b नेगेटिव। क्यों? अपोजिट है वो पहले बता दिया था। तो कहने का मतलब ये कि जब भी इसका आंसर बनेगा √8 - 15 आयोटा का आंसर बनेगा तो मुझे a की जगह क्या भरना है एक का पॉजिटिव तो मैं कितना भरूंगा 5/√2 ठीक है और उसी टाइम पे b का क्या लेना है माइनस तो माइनस का आयोटा 3/√2 या क्या लेना होगा माइनस का 5/√2 और प्लस आयोटा 3/√2। सही है ना भाई? अब इसे जोड़ के कैसे लिखेंगे वो आप दिमाग लगाओ। क्या मैं इसे ऐड करके प्लस माइनस बहुत ध्यान से सोचना क्या मैं इसे ऐड करके प्लस माइनस 5/√2 ठीक है माइनस √3 iota by ठीक है ना √2 लिख सकता हूं क्या? सोचो आप, जब मैं प्लस में खोलूंगा तो ये खुल जाएगा, जब मैं माइनस में खोलूंगा तो नीचे वाला ओपन हो जाएगा, इसीलिए प्लस माइनस आया अपने आंसर्स में। कहानी पकड़ में आ गई आपको? चलिए ये प्रॉपर रास्ता है इसका ना। अब मैंने आपको ये इसलिए ट्रिकी रास्ता भी बता दिया ताकि आप तो क्वेश्चन खटाखट होते हैं। हो गया आपका? लगता है कॉपी करते करते या तो बात होने लगी है या कॉपी करने की बात ही खत्म हो गई है। भगवान जाने क्या लग गया यार। चले अपन आगे चलते हैं। क्वेश्चन है If modulus of 6z minus iota divided by 2 plus 3 iota z is less than equal to 1, ठीक है ना भाई? Then prove that mod z is less than equal to 1/3.
हाँ भाई, 2+3 आयोटा जेड इज लेस देन इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट मॉड जेड इज लेस देन इक्वल टू इतना। हाँ भाई करें, पहली लाइन आप जवाब दीजिए ये गलत या सही। आप आराम से सोचो सही या गलत। कोई भी इनइक्वालिटी को उस पार तभी जा सकता है जब वो, और ये तो मॉडुलस है, मॉडुलस माने तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो पॉजिटिव है, तो क्या गलत है, सही है? अच्छा अब आगे बताओ, अगला स्टेप क्या करूं, स्क्वायर, क्योंकि मॉड का एक ही इलाज है हमारे पास। अगर मैंने स्क्वायरिंग कर दी तो 6z माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2+3 आयोटा जेड का स्क्वायर। आगे क्या करा जाए ये नहीं क्लिक कर रहा। हाँ मैं सोच रहा हूँ, मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ, आप इसका स्क्वायर खोलिए, मैं वेटिंग में हूँ, ठीक है? मैं खुद चाहता हूँ कि आप दिमाग लड़ाओ, मैं देखना चाहता हूँ अगला, ठीक है ना? करो आप, जानबूझ करके स्क्वायरिंग वाला पार्ट आपके ऊपर डाल दिया था ताकि आप कुछ नहीं हो तो कम से कम तो पता चले कि मेरे से स्क्वायरिंग नहीं हुई, ठीक है ना? हाँ भाई, ये 6z माइनस आयोटा इनटू 6z बार माइनस आयोटा का बार इज लेस देन इक्वल टू जेड प्लस 2 था, ये है ना 2 ही था ना, हाँ ये तो 2 था, 2+3 आयोटा जेड, ठीक है ना, इनटू में 2+3 आयोटा जेड का बार, सही है? हाँ भाई, अब भाई ये अगर आपने ये स्टेप सही उठा लिया तो इसका मतलब आप बच गए थे, और अगर आप भूल गए तो गड़बड़ हो गया था। चलिए एनीवे, तो एक सेकंड दूसरा स्टेप बताता हूँ, 6z माइनस आयोटा तक ठीक है, अभी भी आपको बताता हूँ आप कहाँ गलती कर सकते हो, 6z प्लस आयोटा हाँ या ना सोचो, क्यों बार है ना, तो किसी की बार में क्या होता है कॉन्जुगेट, तो माइनस आइटा का प्लस आइटा हो जाएगा, हाँ या ना? अच्छा इधर की तरफ लेस देन इक्वल टू, चलो देखते हैं दिमाग लगा लेते हैं, 3 आइटा जेड इनटू में कितना लिखना है, 2-3 आइटा जेड, देखो इंपॉर्टेंट बातें निकल के आई, 6z इनटू 6z 36z स्क्वायर, श्योर है? माइनस का 6 आइटा जेड, अरे प्लस का 6 आइटा जेड कट गया, क्या रह गया मार्केट के अंदर, माइनस आइटा का स्क्वायर, माइनस आइटा का स्क्वायर बोले तो 1, सही है? अच्छा 2 × 2 4, ये तो अरे बात 2 × 2 ठीक है, अच्छा कितना, अब ये दिमाग लगाया आपने, इसका मल्टीप्लिकेशन इसका मल्टीप्लिकेशन फिर कट गया, मार्केट में फिर कितना रह गया, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, प्लस में 9z स्क्वायर, श्योर है क्या? अब 36 में से इसको उठ का दूं, अगर भाई 36 में इतना कम कर दूं 25 है ना भाई, 25 या 37 27 सॉरी 27 है ना, अभी भी घटाने बढ़ाने में आपके गड़बड़ है, इज इक्वल टू कितना 3, तो बताओ मॉड जेड का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1/3, तो मॉड जेड इज इक्वल टू कितना, क्या कर रहा है, अंडर रूट काट दूं क्या, नाना 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 मेरे को क्या, किधर ले किधर हो, अच्छा ये 1/9 तो ठीक है, मेरे को ये बताओ इसका क्या करना है, मॉड जेड पे कैसे जाओ, मॉड ले लूं, आप दिमाग लगा लो, ये जेड है और ये जेड बार है, नहीं आया, अच्छा ये जेड है और ये जेड बार है, हाँ अपने से कुछ कमी रह गई थी तो वो साइन में पूरी कर देता हूँ, तो ये जेड का स्क्वायर नहीं चल रहा, क्या चल रहा है, जेड जेड बार चल रहा है, और यही भी जेड जेड बार ही है, तो जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर है, एग्जैक्टली, नहीं समझ में आया, तो मैं मॉड जेड इज लेस देन इक्वल टू 1/3, ये अपने साइन नोटेशन में गलती है भाई, इसे करेक्ट कर लेना, पकड़ना भी, ठीक है अगले क्वेश्चन आते हैं। आपके आसपास मेडिकल के स्टूडेंट आ गए, मैं आपको बार बार बताता रहा हूं ना, दो बच्चों से हमेशा बच के रहना चाहिए, मेडिकल के स्टूडेंट और 11th का स्टूडेंट, क्या है ना ये दोनों को उस साल एग्जाम देकर कुछ हासिल नहीं करना होता, अधिकतर को मेडिकल वाले के पास कितना चांस है, 4 आराम से, हाँ या ना, और 11th वाले के पास 3, आप क्या होते हैं ना उनके चक्कर में आ जाते हो और भूल जाते हो खुद के पास में, अब तो अपने पास 1 और ज्यादा से ज्यादा 2,
एक या ज्यादा से बहुत खेच के किसी के मदर फादर मेरे पास दो, तो कई बार क्या होता है ना अपन उनके चक्कर में अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं, उनकी खुशी में शामिल हो जाते हैं। तो क्या ना आप थोड़ा संभाल के आराम से देख करके पहचान लें, अपन मेडिकल के नहीं है ना, है ना, तो अभी नीचे मिल जाएगा। आ जाओ आप तब तक इधर। क्वेश्चन है लिखो फटाफट से, एक मॉड जेड वन इज इक्वल टू मॉड जेड टू इज इक्वल टू वन एंड जेड वन जेड टू इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, देन प्रूव दैट जेड बराबर में जेड वन प्लस जेड टू अपॉन वन प्लस जेड वन जेड टू इज प्योरली रियल। हाँ जी साहब, मैं भूल चुका हूं ये अच्छे से कि प्योरली रियल होने पे क्या करते थे। जेड बार इक्वल टू जेड इज इक्वल टू जेड बार, तो जेड बार इज इक्वल टू जेड, तो मतलब मेरे को जेड बार पे चलना चाहिए। अगर मैं जेड बार सोचता हूं तो जेड वन का बार प्लस जेड टू बार अपॉन नीचे कितना वन प्लस जेड वन बार जेड टू बार, अब क्या करूं? हाँ इक्वल टू क्या बोलो, बराबर जेड। आप ही तो कह रहे हो जेड बार बराबर में जेड, तो उस पर हाँ क्यों नहीं भरते हो, ये सही है क्या? अच्छा ये अगर बराबर है तो इसका मतलब ये कि जेड बराबर में कितना जेड वन प्लस जेड टू अपॉन वन प्लस जेड वन जेड टू, माने ये इसके बराबर है, अब क्या करूं? अरे ये दोनों बराबर है अब क्या करूं? अरे कंपेयर कर लोगे यार तुम भी, मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई करा तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, वन की मल्टीप्लाई करो जेड वन बार प्लस जेड टू बार प्लस, अब जेड वन जेड टू की इससे मल्टीप्लाई करते हैं, रेडी जेड वन जेड टू जेड वन बार, जेड वन जेड टू की इससे मल्टीप्लाई करो जेड वन जेड टू जेड टू बार, इज इक्वल टू में इधर आ जाओ इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, दिख रही है इसकी मल्टीप्लाई वन से करो पहले जेड वन प्लस जेड टू, अब जेड वन जेड टू बार की करो जेड वन बार जेड टू बार जेड वन, सही है प्लस कितना जेड वन बार जेड टू बार जेड टू, श्योर? अब आप फिर दिमाग लड़ाते हैं क्या ऐसा और कम हो सकता है? जेड वन बार प्लस जेड टू बार का तो कुछ इलाज नहीं है हमारे पास, अभी तक तो कोई इलाज नहीं है ना। यहां पे क्या हो सकता है? मॉड जेड वन स्क्वायर, श्योर है ना? कितना बोल रहे हैं मॉड जेड वन स्क्वायर जेड टू, अच्छा प्लस इधर की तरफ देखा जाए जेड वन इंटू मॉड जेड टू का स्क्वायर, इधर की तरफ देखा जाए तो इट इज जेड वन बार प्लस जेड टू बार इज इक्वल टू, रेडी? अब इधर वाले में आ जाते हैं इज इक्वल टू में कितना जेड वन प्लस जेड टू प्लस, रेडी? अच्छा इन दोनों की मल्टीप्लाई मॉड जेड वन स्क्वायर इंटू जेड टू बार प्लस, दोबारा दिमाग लगा रहे मॉड जेड टू स्क्वायर इंटू मॉड जेड टू स्क्वायर इंटू जेड टू बार, रेडी? मजा आने वाला है मेरे को बहुत, ठीक है? हाँ मॉड जेड वन की वैल्यू वन, तो ये लिखा हुआ है जेड टू, ये लिखा हुआ है जेड वन, तो कुल मिलाकर लिखा हुआ है टू टाइम्स, ठीक है ना? फाइनली ये कितना रह गया, फाइनली रह गया एक मिनट, हाँ अब आप दिमाग लगा ना, बड़े इंटरेस्टिंग मोड पे आने वाली आपकी जिंदगी। अब क्या जेड वन बार इधर वाले लास्ट वाले में जेड वन जेड टू बार के बाद यहां जेड वन बार, सही है? हाँ लेकिन अरे आप तो कितने, आपको पता ही नहीं आप क्या करवाने वाले हो, मजा आ जाएगा आपको, देखना अभी देखो देखो जो दिमाग वाला है वो अभी मान जाए कि हाँ हो गया कुछ चूना लग गया आपने, पहले आप दिमाग लगा लो। अरे LHS और RHS बराबर है, अरे ढकनो देखो तो सही, क्या मिला? ठीक है मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं, मेरे को तो कुछ मिलेगा ही नहीं, दिमाग नहीं लगा आपने, क्या मिला ही नहीं इसमें, तो करूँ क्या, मेरे को तो फायदा ही नहीं हुआ, प्योरली रियल कैसे प्रूव हुआ? प्रूव करो प्रूव, हाँ तो बराबर है तो क्या देख लिया आपने पहले समझ में? अच्छा एक एक, अच्छा देखो एक मिनट, पहले एक मिनट तेरे को पहले दिखा दूंगा, देख एक सेकंड, अपने पास में है जेड वन बार प्लस जेड टू बार, इधर है, इधर भी दिमाग लगाना, जेड वन बार प्लस जेड टू बार पड़ा है ना, एक अपने पास यहां से मिलेगा जेड वन प्लस जेड टू और ये रहा जेड वन प्लस जेड टू, तो अपने को तो कुछ फायदा नहीं हुआ, हम तो बराबर लेके चले थे बराबर पे खड़े, आपको तो कुछ ऐसा मेथड बताओ मुझे
कि जिससे ये खुद ब खुद बराबर आ जाए। नहीं समझ में आया? कोई ऐसा तरीका जिससे खुद बराबर आ जाए। मैं तरीका, मैं हिंट कर रहा हूं, ठीक है ना। देखो लेट से, है ना, एक बार के लिए थोड़ा पीछे हटता हूं, ठीक है। अच्छा देखो, मैं आपको सिर्फ हिंट कर रहा हूं, आप दिमाग आपका होगा पूरा रेडी। भैया एक पॉइंट इसको पकड़ लो लाइफ लॉन्ग, ये बहुत काम की चीज है। अगर कभी भी मॉड जेड वन बराबर वन दिया है तो इसका मतलब ये कि किसी को मेरे को जेड वन इनवर्स बताना है, बस बाकी मेरा काम कर दूंगा मैं। जेड वन बार अपॉन मॉड जेड वन का स्क्वायर, श्योर है। अब आपके पास में ये पता होना चाहिए, ये लिखा हुआ वन अपॉन जेड वन, सही है क्या? अब आप दिमाग ये लगाओ कि आपको तो मॉड जेड वन इज इक्वल टू वन दिया है। अगर मॉड जेड वन इज इक्वल टू वन दिया है तो इसका मतलब वन अपॉन जेड वन इज इक्वल टू जेड वन बार। उसी तरह से वन अपॉन जेड टू इज इक्वल टू जेड टू बार गिवन है, आप इसका यूज करोगे। अब आप दिमाग ये लगाओ, देखो लगाओ जेड वन की जगह पे कितना रखना, जल्दी बोलो। वन अपॉन जेड वन, श्योर है। इसकी जगह कितना, वन अपॉन जेड टू, अपॉन में नीचे कितना, वन प्लस वन अपॉन जेड वन जेड टू, सोच लिया। एलसीएम कैल्सियम बोलो, जेड वन प्लस जेड टू अपॉन नीचे यहाँ पे वन की जगह जेड वन जेड टू प्लस वन, और ये कौन है, ये तो आपका जेड है, और जेड बार बराबर जेड मैंने प्रूफ कर दिया। प्योरली रियल, नहीं समझ में आया? प्योरली रियल, पकड़ में नहीं आया आपके पास, कहानी पकड़ में आ गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भाई, ये इससे अपने कहानी पकड़ी है, ये बहुत अच्छी चीज है, इसको बहुत बेसिक में संभाल के चलना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी शीट के कम से कम 8-10 क्वेश्चन है इस पे, मॉड जेड वन वन देना, मॉड जेड इक्वल टू वन देना, ये आपके लिए बहुत काम की चीज बनेगी आने वाले टाइम में।